दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शंस चल रहे हैं और इन दिनों बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका हम और आप सबको पता चल रहा है कि कौन कितना अमीर है और कौन कितना कम पैसा कमाता है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पैसा कहाँ से आता है, आमदन का जरिया क्या है, ये सारी चीजें जो है वो उस एफिडेविट के जरिए आती हैं जो लोग नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। और अगले दिनों में आपको भी पता चल जाएगा जिस जिसको आप वोट देने जा रहे हैं, आपका लोग जिस पर आपके जो उम्मीदवार हैं, आपके कैंडिडेट्स, जो आपका पसंदीदा रहनुमा है, लीडर है, जिसको लेकर आप अक्सर कहते हैं या सुनते हैं कि इसने बहुत पैसा कमाया, जम्मू में मकान बनाए, कश्मीर में बनाए, दिल्ली में जमीनें खरीदें, प्रॉपर्टी है, मूवेबल इमूवेबल जायदादें इसके पास हैं, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे अमीर सेकेंड फेज में अब तक वादी कश्मीर से जो कैंडिडेट है, मैं उसका जरा आपको नाम बता दूं, ये है मियां अल्ताफ साहब जो रुकने पार्लियामेंट है, उनके फर्जंद मेहर अली जो पहली बार मैदान में है, सियासी करियर का आगाज करने जा रहे हैं, लारवी खानदान से आते हैं, सूफी बुजुर्ग या वली कामिल कह लीजिए मियां लारवी साहब, और चूंकि इनका एक खानदान है और दुनिया भर से इनकी जो फॉलोइंग है वो मरकज के जर इंजाम इलाके आती है, इनके दरबार में हाजिरी देना, यानी इनके जो दादा और परदादा हैं उनके दरबार में हाजिरी लगाना और आगे जो उनकी गदी या गदी नशीन कह लीजिए जिम्मेदारी संभाली मियां अल्ताफ साहब ने, आगे उनका बेटा जो उनके साथ साथ काम करता है, जो बाकी काम देखता था, लेकिन वो अमीर कितना है, जो डिटेल्स हम तक आई एफिडेविट में आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, जो चूंकि उनका कल गांधरबल के अंदर फाइल नॉमिनेशन हो चुकी है, कंगन सीट से हैं, वालिद साहब उनके इस बार इलेक्शन में नहीं होंगे क्योंकि वो एमपी हैं, तो उनके बेटे को टिकट दी गई है। और मेहर अली जिनके मुताबिक वो सालाना 24 लाख रुपए कमाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर रहनुमा है मुबारक गुल जो फॉर्मर स्पीकर हैं असेंबली के, वो 4 लाख कमाते हैं, उनसे इनकी ज्यादा ये तकरीबन 4 लाख इनसे ज्यादा है, यानी करीबन 24 लाख रुपए जो है वो सालाना आमदनी इनकी है। मेहर अली जो कंगन सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर हैं, उन्होंने जो तफसीलात दर्ज की हैं, क्योंकि मुकम्मल डिटेल्स देनी होती हैं, आपके पास कोई लोन तो नहीं है, कोई केस तो नहीं है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई मुकदमा आप पर कहीं पर, कोई किस तरह का केस, ये सारी तफसीलात देनी होती है। तो इन्होंने इसमें लिखा है कि 65 लाख की इनके पास मूवेबल या जो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जिसको आप बोलते हैं मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी 65 लाख है, इमूवेबल एसेट्स तकरीबन 4.88 करोड़ रुपए के हैं और टोटल ये बनता है 5.5 करोड़ के आसपास। एफिडेविट के मुताबिक 2.60 करोड़ जो अपने उनके सेल्फ एक्वायर्ड एसेट्स जिसको आप कहते हैं अपनी जायदाद, और 2.28 करोड़ के आसपास इनहेरिट एसेट्स हैं, यानी जो उनको दादा परदादा या आबो अजदाद की तरफ से आई है, जो उनके खाते है, जो उनके वालिद के नाम की भी है। 14 लाख के आसपास उनकी अहलिया के एसेट्स हैं, उनकी जो बीवी है उनके है, और 1 करोड़ रुपए का मेहर पर बैंक लोन जो कर्जा है, लाइबिलिटी है। इनकम का सोर्स है क्रशर्स, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, शायद हो सकता है कि ठेकेदारी वगैरह करते हो, और सालाना इनकम तकरीबन 2024-25 की इनकी 24 लाख बनी है, जो 2020-21 में 6 लाख थी, यानी इंप्रूवमेंट हुई है। और बीए डिग्री इन्होंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से की है, इग्नू से। दूसरा नाम आपके सामने मैं रखता चलूं, ये है जोहेब यूसुफ मीर, पहली बार पीडीपी की कैंडिडेट है, 6.70 लाख के आसपास 2024-25 में, यानी 7 लाख के आसपास सालाना या एनुअल इनकम इनकी है, और इनके पास इमूवेबल एसेट्स नहीं है, जो वालिद और बाकी इनके वही एसेट्स इनके पास हैं। 2019-20 के बाद इनके जो अपने 6-8 लाख के आसपास जो इनकी आमदनी वो तकरीबन यही है। 48 लाख के आसपास जो एसेट्स हैं, जिसमें 4,050 शेयर्स हैं, जो 40 लाख के आसपास बनते हैं, 100 ग्राम गोल्ड वैल्यू है 7 लाख के आसपास, उनकी अहलिया के पास 500 ग्राम सोना है जो 35 लाख के आसपास बनता है, इसके अलावा किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है। जोहेब जिनके पास इकोनॉमी में, जिनने डिग्री की है इकोनॉमिक्स में, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग यूके से, ब्रिटेन से ये पढ़कर आए हैं। जिब्रान डार एक और नाम, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, 30,000 के आसपास जो इन्होंने कहा कि 2 लाख के आसपास कर्जा है, 30,000 के आसपास इनकी आमदनी है, बीटेक डिग्री है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, नजीर अहमद गिलकार बीजेपी से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं हबा कदल से, 8 लाख के आसपास मूवेबल प्रॉपर्टी है, 34 लाख इन पर कर्जा है जो लाइबिलिटीज का ये जिक्र कर रहे हैं, गोल्ड लोन, मोबाइल लोन और कार लोन है, मैट्रिक एजुकेशन और क्रिमिनल एंटेंसिडेंट्स और ये सारी चीजें जो है ये इन्होंने दर्ज की हैं अपने इस नाम में। मुबारक गुल जिनका मुकाबला असल में मेहर के साथ प्रॉपर्टी वाइज है, तो इनकी ईदगाह से ये मैदान में है, 20 लाख इनकी इनकम है,
5 लाख के आसपास इनकी वाइफ की है। मूवेबल एसेट्स या मनकूला जायदाद 2.67 करोड़ और इमूवेबल एसेट्स जो है 4 करोड़ के आसपास उनकी एहलिया तकरीबन 68 लाख के आसपास उनके मूवेबल एसेट्स हैं। टोटल लाइबिलिटीज 10,000 के आसपास है या 10,000 का कर्जा है। नेटवर्थ 2024 में तकरीबन 7 करोड़ के आसपास 4.15 करोड़ 2014 में थी, तो इम्प्रूवमेंट उसमें देखी गई है। इसका मतलब यह है कि इनसे मेहर अली जो सबसे अमीर उम्मीदवार हैं, बेटे हैं लारवी खानदान के और जो फर्जंद हैं अपने रुकने पार्लियामेंट के मियां अल्ताफ साहब के, तो उनकी 4 लाख इनसे ज्यादा बनती है। हकीम मोहम्मद यासीन फॉर्मर मिनिस्टर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट सेक्युलर से हैं, इनके पास तकरीबन 7.5 करोड़ के आसपास टोटल एसेट्स हैं जिसमें 5.72 लाख मूवेबल एसेट्स, 7 करोड़ के आसपास इनहेरेंट जो इनको आबोजदाद या वालिदैन की तरफ से इनको है, दादा परदादा की तरफ से है। 9 लाख के आसपास इनकी एनुअल इनकम 2024-25 में, 5 लाख ये पहले थी, 2019-20 में ये बढ़ गई है और 2014 में इनके एसेट्स 5.73 करोड़, टोटल लाइबिलिटीज 38,000 के आसपास। तो कुल मिलाकर मियां साहब के बेटे अब तक अमीर उम्मीदवारों में से एक है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वो हलफनामा होता है, ये लिख कर देते हैं इलेक्शन कमीशन को कि मेरे पास ये चीजें हैं और ये नहीं है। तो आइंदा दिनों में आपके उम्मीदवारों के मैं बताऊंगा हॉट सीट्स पर जो लोग बड़े चेहरे आमने सामने हैं, पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, इन तमाम एरिया से और कश्मीर प्रोविंस के अंदर बड़े चेहरे किसके पास कितना पैसा है, किस पर कितना कर्ज है, कितनी गाड़ियां हैं, बीवी कितना पैसा कमाती, कितने जेवरात हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने जरूर रखूंगा।